नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या, हत्या कर नग्न अवस्था में महिला के शव छोड़कर आरोपी फरार। यूपी के जनपद मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव से बाहर रह रही महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई और हमलावर महिला के शव को नग्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला मैनपुरी के थाना कुरावली थाना क्षेत्र के ग्राम हवेलिया से जुड़ा हुआ है। इस गांव के रहने वाले सच्चिदानंद नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, जबकि उसकी 35 वर्षीय पत्नी पूजा अपने 4 बच्चों के साथ गांव से बाहर बने हुए मकान में रह रही थी। रात के अज्ञात समय अज्ञात हमलावरों ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और उसके शव को नग्न अवस्था में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। शव को देखने से उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने हत्या की है। सुबह जब लोगों को जानकारी हुई तो पुलिस की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के सदर विधायक राजकुमार यादव ने परिजनों से मिलकर हत्या के मामले में जानकारी ली। वहीं सरकार की लचर कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल या निशान लगाए। सदर विधायक ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब की बात जनता चुप नहीं बैठेगी। क्या प्रॉब्लम है? सवेरे आज पीआरपी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की हत्या की गई है। तत्काल फोर्स रवाना हुई है और सर्किल ऑफिसर, संबंधित SHO और हमारी फोरेंसिक टीम, ये सारे मौके पर पहुँचे थे। अभी थोड़ी देर में हम भी प्रस्थान करेंगे और इसमें ऐसा पाया जा रहा है कि शादीशुदा महिला है, इसका हस्बैंड कहीं बाहर रहता है। अभी उससे संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और ये महिला इसके बच्चे भी हैं, संभवतः 4 बताए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें अभी करा करके और फिर जो भी होगा इस घटना का शीघ्र ही हम लोग अनावरण करेंगे। सर, जिस तरह से वो नग्न अवस्था में मिली तो क्या लगता है कि उसके रेप की आशंका? अब ये पोस्टमार्टम में इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये हत्या है और हत्या कुछ इंगित जो है ऐसा लग रहा है कि कुछ नजदीकी लोगों के द्वारा की गई। कोई नामजद भी किया गया अभी तक? अभी तक कुछ नहीं। ठीक। जनपद मैनपुरी में लगातार रेप और हत्याएं जैसी घटनाएं लगातार घटती हुई नजर आ रही हैं और आज एक और एक महिला की हत्या कर दी गई निर्मम, क्या लगता है आपके क्षेत्र का मामला है? प्रदेश में जंगल राज है, कानून पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार पूरी तरह कानून के मुद्दे पर फेल है, वैसे सरकार हर मुद्दे पर फेल है लेकिन कानून के मुद्दे पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। किसी जनपद में आप ले लो, सब जगह सुनियोजित हत्याकांड हो रहे हैं, संगठित अपराध हो रहे हैं और सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। आज ये महिला की जो मौत हुई है, बता रहे गला रेत कर हत्या की गई है, संभवतः मैं इसको मौत नहीं मानता। जो हालात बताते हैं जी कि महिला नग्न अवस्था में थी, उसका ब्लाउज फटा हुआ था, पेटीकोट ऊपर था, उसकी जंगाहों पर चाकू के निशान थे, जिससे मुझे अंदेशा ये है कि महिला के साथ गैंग रेप भी हुआ है। क्या लगता है जो बीजेपी सरकार सुरक्षा की बात करती थी अभी तक महिलाओं की, क्या लगता है कि महिला सुरक्षित है? बीजेपी सरकार विपक्षियों की आवाज़ दबाने में लगी हुई है और मीडिया भी वही चलाता है जो सरकार कहती है। और भाजपा सरकार के कार्यालय के सामने एक लड़की ने आत्मदाह किया है, किसी चैनल ने खबर चलाई? नहीं चलाई। और गेट नंबर 2 लखनऊ विधानसभा के ठीक सामने कार्यालय है जी, कोई खबर नहीं चलाई। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे ऐसी निर्दयी सरकार को 6 महीने बाद उखाड़ के फेंक दे, कानून का राज स्थापित हो और इस महिला के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे, कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। माता जी, आपकी बहू का नाम क्या था? पूजा। पूजा, तो ये कहाँ गांव में रहती थी? और आप लोग कहाँ रहते थे? हम भानपुरा। अच्छा, तो ये आपको जब सूचना मिली तो किस अवस्था में मिली थी वो पूजा? चारपाई पर मड़ी मिली है। किस हालात में थी? ऐसे नंगी पड़ी। क्या क्या लग रहा था? पूरा गर्दन काट दिया था, नग्न अवस्था में थी। क्या जांघें वगैरह भी चाकुओं से गुदी हुई थी?
चाकू से। अच्छा चाकू से कटी जाने।